Hello friends, welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, ये वीडियो है फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर टू इज मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी टेक्नो क्लास 9। इस चैप्टर में इस पार्ट में हम सीखेंगे सस्पेंशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, इस पोर्शन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर हमारे पास थोड़ी सी सैंड है और हमने एक बीकर में पानी ले लिया है, तो अगर हम उस सैंड को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा? क्या पानी में सैंड पूरा घुल जाएगा? जैसे कि सॉल्ट को अगर पानी में घोला जाए तो घुल रहा है, क्या ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं होगा, हमें सैंड के पार्टिकल्स पानी में दिखेंगे, ठीक है। और अगर इस मिश्रण को हम थोड़ी देर के लिए कहीं रख दें तो क्या होगा? हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि सैंड पूरा का पूरा नीचे बैठ गया और पानी ऊपर आ गया है। तो ऐसा कोई भी मिश्रण, मिक्सचर इन इंग्लिश, हिंदी में मिश्रण, ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है हमारे सैंड, सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते और उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि उसमें लटके से रहते हैं कहीं ना कहीं और हमें साधारण आंखों से दिखाई देते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे सस्पेंशन, ठीक है। चलिए डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व। सबसे पहला पॉइंट है सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम एंड विजिबल टू द नेकेड आईज। तो ये तीन पॉइंट जहां भी अगर फुलफिल हो रहा है। चौथा पॉइंट है कि इट शुड बी अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर ये चार पॉइंट फुलफिल हो रहा है तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे सस्पेंशन। तो चलिए अभी जो एग्जाम्पल बताया था उसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास है ये थोड़ा सा, क्या है ये सैंड, और हमने एक बीकर में ले लिया है वाटर, ये है हमारा। इन दोनों को मिलाने से क्या होगा? सैंड को अगर बीकर में डाल देंगे और हम उसको मिलाएंगे तो क्या होगा? ये हमारा वाटर है और सैंड पार्टिकल्स कुछ ऐसे नजर आएंगे हमें, सस्पेंडेड से। सस्पेंशन मीन्स लटकना, तो सस्पेंडेड वर्ड यहाँ यूज किया गया है लटकने से। ऐसा लग रहा है सैंड पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में लटके हुए हैं, तो ये हमारा बन गया सस्पेंशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सैंड पार्टिकल्स लटके हुए से हैं और ये हमें साधारण आंखों से दिखाई दे रहे हैं और इसमें सैंड पार्टिकल्स घुले नहीं हैं, इसलिए ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे सस्पेंशन। अब अगर इसको रख दिया जाए लीव फॉर फ्यू मिनट, अब क्या होने वाला है इसमें? अब उसी बीकर को हमने कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा? हमें यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स कहीं नीचे नजर आएंगे और वाटर पार्टिकल्स यहाँ ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो रहा है सैंड नीचे बैठ चुका है और वाटर, यानी कि सस्पेंशन अब ब्रेक हो चुका है। अब ये सस्पेंशन नहीं रहा, ये सस्पेंशन ब्रेक हो चुका है और ऐसे सस्पेंशन को हम कहते हैं अनस्टेबल मिक्सचर ऑल्सो, ठीक है। सस्पेंशन को एक और नाम दिया गया अनस्टेबल मिक्सचर, मैं लिख देती हूँ अनस्टेबल मिक्सचर, ठीक है। तो ये तो थी कहानी सस्पेंशन की। अब चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस मतलब एक सार, तो उसका अपोजिट हुआ हेट्रोजीनियस, मतलब कि जो एक सार ना हो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर हमने सैंड वाटर का एग्जांपल लिया है तो हमें सैंड पार्टिकल्स अलग दिख रहे हैं, वाटर पार्टिकल्स अलग दिख रहा है, सॉल्ट वाटर की तरह नहीं है, सॉल्ट वाटर होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये हुआ एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड पॉइंट आते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। तो ये एक खास और मेन पॉइंट है कि हमें
मिक्सचर में अगर सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कहेंगे सस्पेंशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। अब ये क्या कहानी है, अब इसके लिए डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अगर हमने एक बीकर में लिया है यहाँ सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन मतलब सॉल्ट वाटर मिक्सचर, सॉरी सैंड एंड वाटर मिक्सचर, और हमने यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है टॉर्च, हमने यहाँ से लाइट पास करी तो क्या होगा, इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। सो हमें यहाँ पर ऐसे लाइट का एक पाथ दिखेगा इन बिटवीन द बीकर। ठीक है, ये खासियत है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की और ये खास बात है सस्पेंशन की। ठीक, क्यों हो रहा है ये, इसको आगे बताऊंगी मैं। इसका कारण ये है कि पार्टिकल्स इतने बड़े हैं यहाँ पर जो सैंड पार्टिकल्स है कि वो अगर लाइट उनसे टकराती है तो वो वापस स्कैटर हो रही है, और जब स्कैटरिंग होती है लाइट की तभी हमें पाथ, लाइट का पाथ विजिबल होगा। तो ये सब ऑल मैटर इज अराउंड द साइज ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल का साइज मैटर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिर से पार्टिकल साइज की बात हो जाएगी यहाँ पर, कि पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि फिल्टर पेपर के पोर को पार नहीं कर पाएगा और हम किसी भी सस्पेंशन को फिल्टर पेपर के द्वारा आसानी से सेपरेट कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अनस्टेबल मिक्सचर। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब किसी सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है तो क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल नीचे आ जाते हैं और सॉल्वेंट ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, और ऐसे मिक्सचर को जिसमें कि थोड़ी देर रखने पर दोनों चीजें अलग हो जा रही हैं, ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे अनस्टेबल मिक्सचर, और ये सस्पेंशन की खासियत है। खाली सस्पेंशन ही ऐसे मिक्सचर्स हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, When the particle settle down, the suspension breaks and it does not scatter light. फिर वही बात है, अगर पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं तो अब जो ऊपर लिक्विड पोर्शन बचा है वहां पर पार्टिकल नहीं बचे हैं जो कि लाइट को स्कैटर कर सके। जब लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। तो फिर से उसी डायग्राम को फिर से बनाऊंगी मैं। अब यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स नीचे हैं और वाटर पार्टिकल्स यहाँ पर ऊपर है। अब फिर से एक लाइट सोर्स लिया हमने और यहाँ पर अब लाइट डाली मैंने। अब क्या हो रहा है, यहाँ बीच के पोर्शन में हम देखेंगे कि कोई ऐसी पाथ विजिबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर कोई पाथ विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स जो कि लाइट की बीम को स्कैटर कर रहे थे वो सब नीचे बैठ चुके हैं, तो वहां पर कोई पार्टिकल है ही नहीं जो बीम को स्कैटर करेगा और इसीलिए पाथ हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी सस्पेंशन की और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और तब तक पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। थैंक यू।